गर्मी अपना कहर बरपा रही है। देश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री के पार है। झुलसा देने वाली गर्मी में लोगों का बुरा हाल है। लू और गर्मी की मार से बचने के लिए इस मौसम में आपको अपने खान पान के साथ रहन सहन का भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो आज हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो इस चिलचिलाती गर्मी में आपके शरीर को राहत देने का काम करेगी और गर्मी के प्रकोप से बचाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वस्थ भारत में। मैं नेहा बंसल और आप देख रहे हैं एकल भारत। गर्मियों के दिनों में शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं जिसे हम घमोरी कहते हैं। त्वचा में पसीना सूखने से स्किन में मौजूद पोर्स बंद हो जाते हैं जिस कारण दाने निकलने लगते हैं और उनमें खुजली होती है। ऐसे में आज हम आपको घमोरी से छुटकारा पाने के लिए कुछ घरेलू उपाय बताते हैं। घमोरियों के घरेलू उपाय। मुल्तानी मिट्टी। गुलाब जल या दूध में मुल्तानी मिट्टी मिला के घमोरियों पर लेप करने से आपको राहत मिलेगी। एलोवेरा। एलोवेरा की ताजे पत्तों के गुदे को घमोरियों पर लगाने से आपको राहत महसूस होगी। डिटॉक्स ड्रिंक। नींबू पानी जैसा डिटॉक्स ड्रिंक रोजाना पिए, यह आपकी बॉडी को साफ करने और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। खीरा। कच्चा खीरा को काटकर घमोरियों पर लगाने से आपको राहत महसूस होगी और शरीर को इससे हाइड्रेशन भी मिलती है। नारियल तेल। कच्चा नारियल का तेल घमोरियों पर लगाएं। नारियल तेल के एंटीबैक्टीरियल गुण रैशेस को जल्द ठीक करने में मदद करता है। आमतौर पर घमोरियां शरीर के कई हिस्से जैसे गर्दन, पीठ, कमर, सीने और चेहरे पर हो जाते हैं जिससे खुजली, जलन होती है। स्किन को साफ न रखने से घमोरियों की समस्या होती है, इसलिए गर्मियों में 2 बार स्नान जरूर करें। साथ ही गर्मियों में सूती कपड़े का ही इस्तेमाल करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम में स्वास्थ्य से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर करें और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।